है सांख्यिकी का चैप्टर, जिसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और इसमें माध्य क्या होता है ये भी हमने जाना, माध्यिका क्या होती है ये भी हमने जान लिया। तीसरे नंबर पे आता है बहुलक। बहुलक अगर ज्ञात करना हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही पद जो होगा वो बहुलक कहलाएगा। या फिर जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसी को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तीनों क्वेश्चनों में बहुलक ज्ञात करना है। पहले वाले का देखोगे तो 12 12 13 12 10, कुल पद कितने हैं, 5। 5 में से 3 बार क्या आ गया, 12 आ गया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 12। दूसरे वाले सवाल में देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 1 2 3 4 बार 12 आया हुआ है और कोई इतनी बार आया नहीं है, तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 12, दोनों 12। तीसरी बार देखो इसमें क्या है, जब टेबल के फॉर्म में दिया हो तब तो और आसान है, ढूंढना भी नहीं पड़ता है। 22 पद दिए हुए हैं, 18 22 26 30 34 38, और इनकी बारंबारता दी गई है। 18 की बारंबारता 3 है, 22 की 5 है, 26 की 11 है, 30 की 3 है, 34 की 9 है और 38 की 2 है। कुछ नहीं, आप सिर्फ बारंबारता को देखो, सबसे ज्यादा बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 26 की है। मतलब ये तो पद है और ये इसकी क्या है, बारंबारता। मतलब 26 वाला 11 बार आया है, कितनी बार आया है, तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा क्या होगा, 26 होगा। 26 वाला पद जो है वो 11 बार आया है। जैसे इसमें 12 जो है कितनी बार आया था, 3 बार आया था, सबसे ज्यादा बार आया था ना, तो 12 हो गया, तो बहुलक इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। और माध्य और माध्यिका के जो सवाल है वो हमने पिछले वीडियो में दिए हैं, उसको देख लेना जाके, ठीक।